हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक। और दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर मुझसे पूछते हैं कि 1000 रुपये के अंदर में कोई अच्छे नेक बैंड है उसे सजेस्ट करो। तो 1000 रुपये के अंडर में यार बहुत कम ऐसे नेक बैंड है जो यार काफ़ी अच्छे हो। लेकिन आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे मीवी कॉलर क्लासिक, ये नए नेक बैंड है मीवी की तरफ से जो कि आते हैं 1000 रुपये के अंडर में। 999 रुपीज़ इसका प्राइस है और इन मीवी कॉलर क्लासिक को मैं पिछले 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो 1000 रुपये के अंडर में मैं बोलूँगा कि यार ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो 1000 रुपये के नीचे आपको किसी दूसरे नेक बैंड में देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। और अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं यहाँ पर 2 मीवी कॉलर क्लासिक का यहाँ पर गिव अवे कर रहा हूँ। तो कैसे जीत सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है सिर्फ 2000 लाइक, तो लाइक का बटन दबा देना और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो। तो अब जल्दी से यहाँ पर इस नेकबैंड की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देख सकते हो इसका जो बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, मीवी कॉलर क्लासिक वायरलेस नेकबैंड। और यहाँ पर इसके जो कुछ फीचर्स हैं जैसे कि डीप और पावरफुल आपको बेस सुनने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग है। तो इस नेकबैंड को अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हो तो यहाँ पर 10 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है। फास्ट चार्जिंग इस प्राइस पे काफी सही है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये है इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। तो दोस्तों, जैसा आपको बताओ कि मीवी कुछ ऐसी कंपनीज में से जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया बनाते हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर यार इनके स्पीकर्स और एक नेकबैंड की भी अनबॉक्सिंग करी थी, कॉलर 2 थे। वो दोनों जो प्रोडक्ट थे वो भी कम्प्लीटली मेड इन इंडिया थे और ये जो है प्रोडक्ट कॉलर क्लासिक ये भी कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। तो अच्छी बात है कि ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में बना रहे हैं। उसके अलावा बॉक्स के पीछे की तरफ भी इसके कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी गए हैं। तो जैसे यहाँ पर HD साउंड आपको मिलेगी, लाइट एंड कंफर्टेबल इन ईयर टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, सुपर पावरफुल बेस होगा, MEMS माइक आपको मिलेगा, तो यहाँ पर कॉलिंग के लिए भी जो माइक है वो काफी बढ़िया रहेगा। और उसके बाद ये जो नेक बैंड है 35 to 40 मिनट में यहाँ पर ये फुल चार्ज हो जाते हैं, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पर जो ईयरबड्स रहेंगे वो मैग्नेटिक रहेंगे और यहाँ पर प्राउडली मेड इन इंडिया। तो ये तो इसका बॉक्स है। तो अब जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे नेक बैंड। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कुछ इसके यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वारंटी इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो नेकबैंड है ये 1 ईयर वारंटी के साथ आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगी कैसे इसको रिवील करना है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो वेलकम नोट है तो आप इसको पढ़ सकते हो, साथ में यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है। तो इस नेकबैंड के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कैसे आपको इसको पेयर करना है, क्या इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं, वो आप इस यूज़र मैनुअल में पढ़ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो नेकबैंड है मैं इसको इसके बॉक्स से भी बाहर निकाल लेता हूँ। और ये जो नेकबैंड है कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक बार मैं इसको साइड में रखता हूँ, बाकी जो बॉक्स के कंटेंट है उसे भी चेक कर लेते हैं। और उसके अलावा बॉक्स में आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, ये माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। और साथ में आपको यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे, तो जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे बॉक्स के कॉन्टेंट और अब आ जाते हैं हमारे नेक बैंड की तरफ। और नेक बैंड है जैसा आप देख सकते हो वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से जैसा आप देख सकते हो इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वैसे ये प्लास्टिक है, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है या फिर फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी सही लगी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो नेक बैंड है ये फ्लैट स्टाइल में आता है, तो नेक के अराउंड भी ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और ये यहाँ पर ये काफ़ी सही है इसकी क्वालिटी भी। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसके जो नेक बैंड को अगर आप पहनते तो राइट साइड में आपको इसके कंट्रोल बटन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और बटन जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्लस माइनस का बटन दिया गया है, ये वॉल्यूम के लिए होगा। उसके अलावा यहाँ पर LED लाइट है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये फंक्शन बटन है जिसकी वजह से आप इसको ऑन ऑफ कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर एक माइक भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बटन जैसा आप देख सकते हो उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी क्लिकी है, तो ये भी काफ़ी सही लग रहे हैं। और उसके बाद इसी साइड में यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो आपका जो चार्जिंग पॉइंट रहेगा ये माइक्रो USB चार्जिंग जो पॉइंट है, तो इसकी मदद से आप इसको चार्ज कर पाओगे। और ये जो नेक बैंड है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, तो 35 से 40 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाते हैं और 10 मिनट में 10 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम दे देते हैं। और जो टोटल मिला के आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा इस नेक बैंड के साथ वो मिलेगा 24 घंटे का, तो काफ़ी अच्छा खासा बैटरी बैकअप है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एकदम क्लीन डिज़ाइन है, यहाँ पर पीछे की तरफ लेफ्ट राइट की मार्किंग रहेगी। तो जो नेक बैंड का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सही है और मुझे जो बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया लगी इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं वायर दिखाऊं तो वायर आपको यहाँ पर फ्लैट टाइप की वायर देखने को मिलती है और ये मुझे काफ़ी सही लगा कि यहाँ पर आपको फ्लैट वायर दिए गए। और उसके अलावा जैसे मैं ईयरबड्स की तरफ आऊँ तो जैसा आप देखते हो उनका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, इन ईयर टाइप का डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर ये मेटल के आपको ईयरबड्स देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ ही साथ ये यहाँ पर ये मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं, तो अगर आप इस नेकबैंड को जैसे पहनकर वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो ये जो नेकबैंड है यहाँ पर ये जो ईयरबड्स हैं तो वो इस तरह से चिपक जाते हैं, तो आपके नेक के अराउंड ये रहेंगे और इधर उधर जाएंगे नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया लगी जैसा आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि दोनों तरफ यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग है और कुछ सिल्वर कलर का
यहाँ पर कुछ डिज़ाइन है। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर इस जो ईयरबड्स की वो काफ़ी बढ़िया है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं इस ईयरबड्स की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इन ईयरबड्स में आपको 10mm का ड्राइवर देखने को मिलता है और साउंड क्वालिटी कैसी है मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा इस नेकबैंड में आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, तो रेंज काफ़ी अच्छी खासी है। और जैसे मैंने बोला ना, क्विक चार्ज आपको यहाँ पर दिया गया है, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर जो फीचर है, बिल्ड क्वालिटी है, वो काफ़ी बढ़िया है। और अब इस नेकबैंड को मैं अपने फोन के साथ पेयर करता हूँ और आपको दिखाऊंगा इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, और उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो इन मीवी कॉलर क्लासिक को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो फंक्शन बटन है इसे प्रेस करके रखना है, थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है, और जैसे आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे और यहाँ पर थोड़ी देर में ये पेयरिंग मोड पर आ जाएंगे, जैसा आप देख सकते हो। और उसके बाद अपने फोन में आपको ब्लूटूथ है उसे ऑन कर देना है, और जैसे आप ये जो ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीवी कॉलर क्लासिक है, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ये जो नेकबैंड है आपके फोन के साथ पेयर हो जाएंगे। तो नेकबैंड तो हमारे फोन के साथ पेयर हो गए हैं, और अब एक बार जो इनकी फंक्शनैलिटीज हैं वो भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको साउंड प्ले पॉज करना है तो यहाँ पर जो फंक्शन बटन है उसको आपको एक बार प्रेस करना है, तो यहाँ पर जो सॉन्ग है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। वापस इसी फंक्शन बटन को आप दोबारा से प्रेस करोगे तो सॉन्ग है वो पॉज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम घटाना बढ़ाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको प्लस माइनस का बटन दिया ही गया है, तो प्लस का बटन जैसे आप यहाँ पर दबाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, और माइनस का बटन अगर आप यहाँ पर दबाओगे तो वॉल्यूम है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है तो आपको यहाँ पर जो प्लस का बटन है उसे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है, एक सेकंड तक, तो ये नेक्स्ट सॉन्ग पे आ जाता है। वापस अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है तो माइनस का बटन है उसे होल्ड करके रखना है एक सेकंड तक, तो ये प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाएगा। उसके बाद गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो जो फंक्शन बटन है उसको आपको एक सेकंड तक होल्ड करके रखना है, छोड़ देना है, और यहाँ पर आप गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी उसको एक्सेस कर पाओगे। तो देख सकते हो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट है वो ऑन हो गया। तो नेकबैंड की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर जो बटन्स हैं वो यहाँ काफ़ी क्लिकी हैं और काफ़ी टेक्टाइल है, तो मुझे जो बटन्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी लगी। तो ओवरऑल डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पर इसकी जो फंक्शंस हैं वो मुझे काफ़ी सही लगे। इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया है। और उसके बाद इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके कम्फर्ट लेवल की बात करूँगा। तो कम्फर्ट वाइज इस नेकबैंड का जैसे आप देख सकते हो कि ये फ्लैट टाइप का डिज़ाइन है, तो नेक के अराउंड ये कुछ इस तरह से रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके अलावा जब आप इन ईयरबड्स को अपने कानों में पहनते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इन ईयर टाइप का डिज़ाइन है, तो काफ़ी अच्छे से ये आपके कानों में फिट हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी पैसिव नॉइस कैंसिलेशन आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी सिक्योरली फिट हो चुके हैं। तो अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपके कानों से बाहर नहीं निकलने वाले, और मुझे इन ईयरबड्स का जो कंफर्ट लेवल है वो भी काफ़ी बढ़िया लगा। तो कंफर्ट वाइज मैं बोलूँगा कि बढ़िया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकी साउंड क्वालिटी की, तो जैसे मैंने बोला कि इस नेकबैंड को मैं पिछले 5-7 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और साउंड क्वालिटी की बात करूँगा तो इनका जो प्राइस है वो है 999 रुपये, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इनकी साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो सबसे पहले तो इस नेकबैंड के अगर मैं बेस के लेवल से शुरू करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा बेस सुनने को मिलता है। यहाँ पर आपको डीप बेस सुनने को मिलेगा, बेस की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी खासी है। अगर आपको बूमी बेस पसंद है या फिर आप बेस हेड हो तो शायद आपको थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन जो बेस की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा जो डीप बेस सुनने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो लो और मिड फ्रिक्वेंसीज की बात करूँ तो उनमें जो साउंड सेपरेशन है वो काफ़ी बढ़िया है, क्रिस्टल क्लियर आपको साउंड मिलेगी। लो एंड जो मैं बोलूँगा कि वो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुन रहे हो या फिर वोकल रिलेटेड म्यूजिक सुनते हो तो जो साउंड की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, क्रिस्टल क्लियर आपको साउंड सुनने को मिलेगी। वॉल्यूम का लेवल भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी लाउड है, 100% पे बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो इसके प्राइस पॉइंट है 999 रुपये, उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेरे को नहीं लगता इसकी साउंड क्वालिटी से आप कंप्लेन करेंगे जिस प्राइस पे आ रहे हैं। उसके बाद इस नेकबैंड पे मैंने म्यूजिक के अलावा वीडियोस देखी हैं, मूवीज़ भी देखी हैं, और वहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, और साउंड क्वालिटी भी मैं बोलूँगा कि मूवीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी है, और आप इस पर मूवीज़ बहुत अच्छे से इन्जॉय करोगे। उसके बाद मैंने इस नेकबैंड पर कॉलिंग वगैरह भी ली है, और कॉलिंग के हिसाब से ये जो नेकबैंड है वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है कॉलिंग के टाइम पर वो काफ़ी अच्छी खासी है। माइक की क्वालिटी की बात करूँगा तो वो भी बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया है। तो अब एक बार मैं जो इसका जो माइक है उसे स्विच कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया जाए इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। तो अभी आवाज़ जो आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो मेरे इस वाले माइक से, और मैं एक बार जो माइक है उसे स्विच कर देता हूँ। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर मीवी कॉलर क्लासिक के माइक से, और जैसा आप सुन सकते हो कि जो कॉलिंग के टाइम पर इसकी जो क्वालिटी है, माइक की क्वालिटी, वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डिसेंट है, और आसपास की जो इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन हो जाती है वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। मेरे रूम में एक फ़ैन चल रहा है और यहाँ पर आप सुन सकते हो कि यहाँ पर फैन की जो साउंड है उसने कैंसिल आउट कर दिया है। तो आपको कैसी लगी इसकी माइक की क्वालिटी मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये तो बात हुई इस नेकबैंड की साउंड क्वालिटी की, और साउंड क्वालिटी वाइज जैसे मैंने बोला मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, कॉलिंग के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर और भी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है, मैंने ऑलरेडी बताया 10 मिनट में आप 10 घंटे का इसमें आपको प्लेबैक टाइम मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा ये ड्यूल पेयरिंग भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप दो डिवाइसेस पे इसको एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है कि ये सारे जितने भी आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो किसी और नेकबैंड में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है,
₹999 के हिसाब से तो मुझे काफी पसंद आए। तो आपको कैसे लगे ये मीवी के कॉलर क्लासिक मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको इसको खरीदना होगा मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और जैसे मैंने बोला इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है ₹999, तो अभी आप जाके खरीद सकते हो इसको फ्लिपकार्ट की साइट पर। और जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पर मैं दो मीवी कॉलर क्लासिक का गिवे भी कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है क्योंकि आज वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 2000 लाइक, तो लाइक का बटन दबा दो। और उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि इन मीवी कॉलर क्लासिक में आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा और ₹999 के हिसाब से मीवी कॉलर क्लासिक है वो आपको कैसे लगे, तो जल्दी से कमेंट कर दो। और उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो सिंपल सी कुछ स्टेप्स हैं, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और जैसे हमारे इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो कंप्लीट होता है 2000 लाइक का, तो मैं यहाँ पर दो विनर चूज करूंगा और ये जो मीवी कॉलर क्लासिक है ये मैं उनको गिवे में दे दूंगा। तो ये तो है मीवी कॉलर क्लासिक, आपको कैसे लगे ये कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, साथ में आपको हमारा चैनल पसंद है, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं हमारा आपको मिलूंगा अगली बार।